बी अ पार्ट ऑफ पावरफुल डिजिटल न्यूज नेटवर्क नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नवी मुंबई में आज कुल 54 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ नवी मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 900 पार करते हुए 910 तक पहुंच चुका है। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आज नवी मुंबई के किन क्षेत्रों में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। एरोली में 9, बेलापुर में 1, दिघा में 1, घनसोली में 5, कोबे खैरने में 10, नेरुल में 3, सानपाड़ा में 3, तुरभे में 11, वाशी में 7 और जुहूगांव में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। जैसा कि आपको पता है कि 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज एरोली में पाए गए, सेक्टर 1 में 2, सेक्टर 16 में 2, सेक्टर 2 में 1, चिंचपाड़ा में 3 और सेक्टर 20 सी में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। वहीं बेलापुर गांव में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। दिघा में भी आज 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था और वह था इल्ठनपाड़ा का रहवासी। वहीं घनसोली में आज 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिसमें सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 9 से 3, रबाली गांव से 1। कोपे खैरने की तरफ बढ़ते हैं। कोपे खैरने में आज 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जिसमें सेक्टर 15 से 2, सेक्टर 16 से 2, सेक्टर 18 से 1, सेक्टर 2 से 3, सेक्टर 5 से 1 और खैरने गांव से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। नेरुल में आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या रही 3, जहां पर सेक्टर 2 से 2 और सेक्टर 21 से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। सानपाड़ा में आज 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जहां पर सेक्टर 10 का 1, सेक्टर 5 का 1 रहवासी कोरोना पॉजिटिव निकला। वहीं सानपाड़ा गांव का 1 रहवासी कोरोना पॉजिटिव निकला। तुरभे में आज 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जहां पर आपको आश्चर्य होगा कि इंदिरा नगर में सिर्फ 2, जबकि सेक्टर 22 में आज सबसे अधिक 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वाशी की तरफ बढ़ते हैं। वाशी में आज 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जिसमें सेक्टर 10 से 2, सेक्टर 17 से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, सेक्टर 14 से 1 और सेक्टर 3 से 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं जुहू गांव की अगर बात करें तो आज आंकड़ा था 4 और आपको ताज्जुब होगा कि सेक्टर 10 से ये चारों ही कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। तो डालते एक नज़र ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आज जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे उसमें पुरुष कितने थे और महिलाएं कितनी। 1 से 10 एज ग्रुप में अगर नजर दौड़ाई जाए तो आज 1 महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। 11 से 20 साल की एज ग्रुप में 2 पुरुष वहीं 4 महिलाएं रहीं। 21 से 30 साल की एज ग्रुप में 8 पुरुष वहीं 11 महिलाएं रहीं। 31 से 40 के एज ग्रुप में 6 पुरुष वहीं 2 महिलाएं रहीं। 41 से 50 के एज ग्रुप में 6 पुरुष और 6 महिलाएं रहीं, जबकि 50 से ऊपर के एज ग्रुप में 6 पुरुष और 2 महिलाएं रहीं। ऑल इज वेल, आज नवी मुंबई के लिए ऑल इज वेल ये रहा कि आज नवी मुंबई में 31 मरीजों को डिस्चार्ज करने के बाद कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 200 पार अर्थात 202 तक पहुंच चुका है। आज डिस्चार्ज हुए मरीजों में शामिल हैं बेलापुर से 3, नेरुल से 5, वाशी में सबसे अधिक 7, तुरभे में 4, कोबे खैरने में 3, घनसोली में 7 और दिघा में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज आज डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं दुख की बात ये रही कि आज एक 3 महीने की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तो चलिए डालते हैं एक नज़र कि आज नवी मुंबई में कहां कहां पाए गए कोरोना संक्रमित मरीज। बता दें कि आज बेलापुर गांव में एक 48 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। नेरुल सेक्टर 21 में 42 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। नेरुल सेक्टर 2 में 48 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। नेरुल सेक्टर 2 में 17 वर्षीय एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सानपाड़ा सेक्टर 10 में 58 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सानपाड़ा गाँव में 39 वर्षीय एक पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सानपाड़ा सेक्टर 5 में 53 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इंदिरा नगर बंजारवाड़ा तुरभे में 22 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इंदिरा नगर तुरभे में 26 वर्षीय एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सेक्टर 22 तुरभे में एक 43 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सेक्टर 22 तुरभे में 43 वर्षीय एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तुरभे सेक्टर 22 में 18 वर्षीय एक युवक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया।
तुर्भे सेक्टर 22 में एक 12 साल की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तुर्भे सेक्टर 22 में एक 43 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तुर्भे गांव सेक्टर 22 में एक 45 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तुर्भे गांव सेक्टर 22 में 21 वर्षीय एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तुर्भे गांव सेक्टर 22 में एक 20 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तुर्भे गांव सेक्टर 22 में 30 वर्षीय एक पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सेक्टर 10 वाशी में एक 27 वर्ष की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वाशी सेक्टर 10 में एक 3 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सेक्टर 10 जुहूगांव में एक 53 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सेक्टर 10 जुहूगांव में 17 वर्षीय एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जुहूगांव सेक्टर 10 में एक 45 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जुहूगांव सेक्टर 10 में एक 25 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वाशी सेक्टर 14 में एक 13 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वाशी सेक्टर 17 में 71 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वाशी सेक्टर 17 में एक 65 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वाशी सेक्टर 17 में 22 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वाशी सेक्टर 3 में 28 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। कोपखेड़ने सेक्टर 2 में 45 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सेक्टर 2 कोपखेड़ने में एक 40 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सेक्टर 2 कोपरखेड़ने में एक 22 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। घनसोली सेक्टर 9 में 38 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। घनसोली सेक्टर 4 में 22 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। घनसोली सेक्टर 9 में 53 वर्षीय एक पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। घनसोली सेक्टर 9 में 33 वर्षीय एक पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सेक्टर 5 कोपरखेड़ने में 21 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। कोपरखेड़ने सेक्टर 15 में एक 52 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। कोपरखेड़ने सेक्टर 15 में 29 वर्षीय एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। खैरने गांव कोपरखेड़ने में 50 वर्षीय एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सेक्टर 18 कोपरखेड़ने में 45 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सेक्टर 16 कोपरखेड़ने में 29 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सेक्टर 16 कोपरखेड़ने में 46 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एरोली सेक्टर 16 में एक 29 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। रबाड़ा गांव नवी मुंबई में एक 36 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सेक्टर 16 एरोली में एक 27 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। चिंचपाड़ा एरोली में एक 29 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। चिंचपाड़ा एरोली में एक 27 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। चिंचपाड़ा एरोली में एक 38 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सेक्टर 2 एरोली में एक 29 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सेक्टर 20 सी एरोली में 37 वर्षीय एक पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सेक्टर 1 एरोली में 36 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सेक्टर 1 एरोली में 57 वर्षीय एक पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और आखिरी मामला रहा इल्टन पाड़ा दिघा का, जहां पर एक 25 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तो चलिए डालते हैं आंकड़ों पर नजर। कुल कोविड 19 टेस्ट जांच की संख्या 7,390, कोरोना पॉजिटिव केसेस 13 मई 2020 यानी आज 54, कोरोना के कुल पॉजिटिव केसेस 910, कोरोना के एक्टिव केसेस 689, कोरोना के कुल नेगेटिव केसेस 5,167, रिपोर्ट प्रलंबित 1,313, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा आज बढ़कर 202 तक पहुंच गया। कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 13 मई 2020 यानी आज 31 दर्ज किया गया, वहीं कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा 19 रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मिनट वक्त।